दो वर्षों से जहानाबाद के काको में सूफी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी काको में बीवी कमाल के मजार पर चादरपोशी की थी और सूफी महोत्सव में शिरकत की थी। इस बार भी पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा सूफी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले चादरपोशी कर की गई। हजरत बीवी कमाल के मजार पर मंत्री विधायक के साथ साथ अन्य लोगों ने भी चादरपोशी की। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा, विधायक राहुल कुमार के साथ साथ भाजपा और जदयू के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने दरगाह में अपनी हाजिरी लगाई। डीएम बाला मुरुगंडी, एसपी हरप्रीत कौर काफी मुस्तैदी से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे थे। सूफी महोत्सव में खास आकर्षण थे जावेद अली। प्लेबैक सिंगर जावेद अली के मंच पर आते ही मानो एक अलग ही हलचल मच गई। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सारा समा गूंजने लगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद जावेद अली को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद शुरू हुआ गायकी का दौर। सबसे पहले जावेद अली के साथ आई मनीषा ने मेरा इश्क सूफियाना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जावेद अली जैसे ही दर्शकों के बीच आए, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और जावेद अली जब शुरू हुए तो ऐसा माहौल बना कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मौला मौला मेरे मौला, आजा की हवाओं से चुरा लूं मैं तुम्हें, जिया धड़क धड़क जाए, जैसे कई अपने हिट गाने गाकर लोगों का दिल जीत लिया। दर्शक दीर्घा में बैठे मंत्री, विधायक, डीएम, एसपी के साथ साथ तमाम लोगों ने सूफी महोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। सूफी संगीतमय शाम में शामिल होने के लिए जहानाबाद शहर और काको प्रखंड क्षेत्र के कई गांव से भारी संख्या में लोग आए थे। चंदन मिश्रा मुकेश के साथ मोहम्मद तनवीर आजकल के लिए। आज आप देख लीजिए, कभी एक जहानाबाद में काको को कोई जानता नहीं था और आज देख लीजिए कि काको की चर्चाएं सिर्फ अब बिहार में नहीं, बिहार से बाहर निकल के देश दुनिया में पहुंच गई। और अभी पर्यटन विभाग का जो नया वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है उसमें भी बजाबते काको का और बीवी कमाल के मज़ार का पूरा जिक्र है और इसके कारण पूरे देश दुनिया के लोग जो अभी तक नहीं जान रहे थे वो जान रहे। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व की संभवतः पहली महिला सूफी बीवी कमाल जो इस काको में है। तो ये सूफी महोत्सव करने के बाद और फिर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है डीएम साहब इस मज़ार के आसपास के इलाके को डेवलप करने का, भी वो एक मैप बनाकर भेजे हैं विभाग, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो बहुत जल्द उसमें भी काम शुरू होगा। बगल का जो यहाँ पर यात्री लोग रह रहे हैं जो आए हुए हैं वहाँ पर उसको इनोवेट करके एक नया तोड़ के वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल टाइप का बनाने का प्रस्ताव फर्स्ट फेज में है। उसमें 3-4 फेज में काम आया है, हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द विभाग के बजट की उपलब्धता पर हम लोग प्राथमिकता देकर करते हैं।